केनान साहब, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं आपसे। लेकिन ये जानना आपका हक है। बात ये है कि जी कहिए, क्या बात करनी है? ठीक तो है आप? बैठ जाइए। अब ठीक है आप? जी ठीक हूँ। लगता है बीपी हाई हो गया है। नहीं नहीं, बस थकन से चक्कर आ गए थे कनान साहब, और कोई बात नहीं, लेकिन ठीक हूँ अब। आयशा अपा, मैलिक यहां पर आई थी क्या? मैलिक अपा, जान अब रोना बंद भी करें ना। देखें, इस तरह आपकी हालत और खराब हो जाएगी। ये सब एलिफ के लिए किया था, मेरी बेटी के लिए। हम सब ठीक कर लेंगे आपा, मैं कोई और नौकरी ढूंढ लूंगी। अपनी बेटी से नहीं मिल पाऊंगी, उसको देखने की हसरत ही रह जाएगी। वो तो यहां नहीं आई, और वो यहां क्यों आएगी? नहीं आई क्यों पूछ रहे हैं आप? यूं ही लगा मुझे। आप उससे रابطے में हैं क्या? नहीं तो। सच बताइए, उससे मिलती हैं? बिल्कुल नहीं मिलती। मैं उसके मुतालिक कुछ भी नहीं सुनना चाहता, कुछ भी हो जाए। ना ही उसकी शक्ल देखनी है और ना ही उसके बारे में कुछ सुनना गवारा है मुझे। खैर, क्या बताना था आपको? कोई ऐसी खास बात नहीं है, फिर कभी बता दूंगी आपको मैं। आपा जान, आप ये रहने दे, मैं सब कर लूंगी। आपा जान, छोड़ दें इसे, आ जाए, आराम कर ले पहले प्लीज। एक काम करते हैं, सबसे पहले आप मुंह हाथ धो लें, ठीक है? चले ना आपा। मैं खुद कर लूंगी ज़ैनब। Ah!
प्लीज। आपा क्या हुआ? मेरा नेकलेस सैनब कहीं गिर गया। अच्छा आपा परेशान मत हो, हम ढूंढ लेते हैं मिलके। कहीं और ना गिरा दिया हो मैंने। हो सकता है यहां हो। नहीं है, पसंद आया तुम्हें? बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी खूबसूरती के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। क्या हुआ मलिक? उदास क्यों हूं? आज तो बहुत ही खास दिन है। फाइनली हम एक हो गए और जल्दी हमारे ख्वाब भी पूरे हो जाएंगे मलिक। मुझे डर लगता है कहीं ये सब वक्ती ना हो। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। डर क्यों रही हो तुम? जो हमारी खुशियों के दुश्मन होंगे हम उनसे दूर हो जाएंगे, इस दुनिया से बहुत दूर। हमारा साथ मुकद्दर में लिखा है। हम दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। किनान, फार्म पे तो नहीं गिरा दिया? अगर किनान को मिल गया तो? या अल्लाह ये क्या हो गया? तुम्हारी वजह से
हेलो जी, कहिए हसन साहब। ठीक है, समझ गया, मैं आज शाम चक्कर लगा लेता हूं। ठीक है, खुदा हाफिज। केनान, अपने वर्कर से फासला नहीं रख रहे तुम। अम्मी प्लीज दोबारा मत शुरू हो जाए आप। केनान, केनान, कहिए, सुन रहा हूं मैं। अगर बगैर बताए कुछ ना किया होता तो हमें इस बारे में बात ही ना करना पड़ती। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है अम्मी, एक ही बात कितनी बार कहूं मैं आपसे। तुमने कभी एहतराम ही नहीं किया मेरा, और ना ही कभी मुझसे इजाजत लेना मुनासिब समझा तुमने। जी बिल्कुल, क्योंकि इस फार्म के सारे मामलात मैं देख रहा होता हूं अम्मी, और आपको मेरे फैसलों का एहतराम करना होगा। सिर्फ तुम ही इसी फार्म के मालिक नहीं हो, और ये बिजनेस भी आप नहीं चला रही, सिर्फ मैं संभाल रहा हूं। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। अम्मी जान, आप ठीक हैं? केनान से कोई बात हुई क्या आपकी? क्या वो मान गए? समझी नहीं अर्जू। मैं यतीम खाने वाली बात कर रही हूँ, केनान को तो बताना ही होगा ना। केनान को? बिल्कुल जरूर। मतलब वो ही किया जो बेहतर है हमारे लिए। मैंने खुद से कोई बात नहीं की ताकि आप खुद बात कर लें, लेकिन केनान को ये सब जल्द से जल्द बताना होगा हमें। जाओ यतीम खाने का नंबर लेकर आओ तुम। अभी लाती हूँ मम्मी। ये करना जरूरी है, सबसे पहले हमें आज ही उसे यहाँ से भेजना होगा। आज ही भेज देंगी? मुझे इजाजत दे, अभी आई। या अल्लाह, अब क्या करूं मैं? कहां चले गए केनान साहब, कहां चले गए? मैं क्या करूं? फोन उठाएं केनान साहब, फोन उठाएं। या अल्लाह मदद कर मेरी। सब कुछ तैयार है केनान साहब। ठीक है, जबरदस्त। लेकिन कोई मसला है क्या? कोई मसला नहीं है केनान साहब, मेरा मतलब है कि आप श्योर हैं ना इस बारे में? हाँ बिल्कुल फाते, बेफिक्र हो जाओ। ठीक है केनान साहब, जैसे आपकी मर्जी। जाओगी, पानी दे रही हूँ ना मैं तुम्हें। शाबाश, मैं तुम्हें अपनी अम्मी से भी मिलवाऊंगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, क्या करूं मैं? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो उसे भेज देंगे। खैरियत तो है, क्या हुआ? आपा इतनी परेशान क्यों हो?
क्या बताऊं आपको मैं? आयशा, आखिर बात क्या है, क्यों परेशान हो? एलिफ के बारे में है तो बताओ मुझे। अल्लाह उसकी हिफाजत करे। हुआ क्या है, कुछ तो बोलो। वो एलिफ को भेज रहे हैं यहाँ से। कहाँ भेज रहे हैं उसे? उसकी अम्मी के पास? उसकी अम्मी के पास नहीं भेज रहे। अच्छा, तो फिर कहाँ? कहते हुए भी अफसोस हो रहा है मुझे, यतीम खाने। हाय, तौबा मेरे अल्लाह, किसने मशवरा दिया है ये? हाँ, जानती हूँ, उस चुड़ैल का ही काम है। गौंजा, गौंजा। आराम से बेटा, क्या हो गया? यतीम खाने का मतलब क्या होता है गौंजा? क्यों पूछ रही हो, किससे सुनकर आई हो तुम ये लफ्ज? आयशा कह रही थी कि एलिफ को यतीम खाने भेज देंगे। कहाँ है ये जगह? खूबसूरत जगह है क्या? मैं बताऊँ किसका क्या मतलब होता है, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते वो रहते हैं वहाँ। एलिफ फिर तो यहाँ से चली जाएगी ना? बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, वो चली जाएगी। और उसके अम्मी अबू तो है ही नहीं। और मेरे मम्मी पापा तो है ना? बिल्कुल ठीक कहा, तुम किनान साहब की बेटी हो और ये घर तुम्हारा है, लेकिन वो यतीम, इसीलिए वो यहाँ से यतीम खाने जा रही है। वो चली जाए यहाँ से, चली जाए। एलिफ यतीम खाने जाएगी, 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 एलिफ यतीम खाने जाएगी। इस स्ट्रेस की हालत कैसे होगी बेटी? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपा, बस फैसल। मुझे तो पहले ही इसका डर था कि वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा, बेशरम इंसान ने क्या हालत कर दी इसकी। आपा, इतना खूबसूरत ड्रेस बर्बाद कर दिया, उन लोगों को क्या जवाब दूंगी अब मैं? बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, माजरत चाहती हूँ आपसे। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं ठीक कर दूंगी, बस थोड़ा वक्त दे दे मुझे। हालत देखो इसकी, कैसे ठीक होगा, मुझे नहीं लगता कि अभी ठीक हो सकता है। पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें। आपा, मैं कहां से पैसे दूंगी? मैं कुछ नहीं कर सकती अब, मैंने तुम्हें काम दिलवाया और ये देखो क्या हालत कर दी है। आपा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माजरत चाहती हूँ, कस्टमर को समझाने की कोशिश करें। ठीक है, कोशिश करती हूँ मैं। बाबा, वो कार वॉश वाले काम की बात कब करेंगे? वो कब से इंतजार कर रहा है। चुप हो जाओ तुम, जेब में एक रुपया नहीं और कहां से काम करेंगे हम। वो आपके लिए पैसे लेकर नहीं आई क्या? उसका पर्स चोरी हो गया था और अब मेरा फोन भी नहीं उठा रही वो। चोरी हो गया पर्स, कहां पर? वो उस दिन पार्क में मुझसे मिलने आ रही थी तो किसी ने चुरा लिया उससे, जिस दिन हम वहां गए थे। हाँ, वो तो यही कह रही थी कि मेरे लिए पैसे ला रही थी, चोरी हो गए। क्या हुआ है, ये फिल्मी हीरो की तरह हंस क्यों रहे हो तुम? अरे बाबा, क्या आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उसका पर्स उस दिन मैंने ही चुराया था। यानी वो सोना जो तुम लेकर आए थे? हाँ, वो ही। वाह, क्या नसीब पाया तुमने, बहुत तेज हो, वाह वाह शाबाश। आप ठीक तो हैं? सर दर्द तो जान निकाल देगा। सब ठीक हो जाएगा जब इस घर से परेशानियों की जड़ चली जाएगी। तो तुम अब खत्तादी करोगी? हाँ। गुड मॉर्निंग, मेरी प्यारी अम्मी जान हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हैं। कैसे गुड मॉर्निंग, सुबह तो कब की हो चुकी है। एपिक, तुम कहाँ जा रही हो? अरे आप लोगों ने सुना नहीं क्या, मेरी बहन खत्तादी करेगी अब। खत्तात बनोगी तुम? उन बॉक्सेस का क्या होगा?
एपिक के शौक कुछ ऐसे ही हैं आरजू, ये अपना वक्त बेहतरीन तरीके से गुजारती है। कोई बहुत ही बोरिंग काम है। मर्द कहाँ गायब है? अरे हाँ, क्या वो भी खत्ताती करेगा? नहीं, उसकी दिलचस्पी एलिमिनेशन में ज्यादा है। उसके साथ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि हमारी क्लास का एक ही वक्त है। हाँ समझ गई, समझ गई मैं। कैसे हैं सब? खुश आमदीद बेटा, आओ बैठो बेटा, मैं चाय मंगवाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं आलिया आंटी, आपका बहुत शुक्रिया, अगर मुझे देर नहीं हो रही होती तो बैठ जाता। अब हम चलें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इल्यूमिनेशन। मर्द हमें देर हो गई क्या? नहीं नहीं, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। इतना टाइम है हमारे पास कि हम साथ बैठकर चाय पी सकते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है। से आराम से आयशा, क्या हो गया? किनान साहब का कुछ पता है आपको, कहाँ है? किनान साहब तो इस वक्त ग्रीन हाउस में होते हैं। ठीक है। लेकिन आयशा आपा, तुम अब तक यहाँ हो? तुम्हें कुछ मालूम भी है तुम्हें कहाँ भेज रहे हैं? मेरी अम्मी के पास। तुम्हारी अम्मी नहीं है और इसलिए एलिफ तुम्हें यतीम खाने भेज रहे हैं। कैसी जगह होती है जानती हो तुम? नहीं जानती। जिनके अम्मी अब्बू नहीं होते उन बच्चों को वहाँ रखा जाता है। लेकिन मेरे अम्मी अब्बू तो हैं। नहीं है, नहीं है। वो लोग तुम्हें एक कमरे में बंद कर देंगे और तुम्हें वहाँ से कभी निकलने नहीं देंगे। तुम वहाँ से कभी भी नहीं निकल पाओगी एलिफ। अब मजा आएगा तुम्हें। ओहो बिचारी एलिम। तुम तो बस पढ़ाई करती रहना। अरे तुम का भाई कैसी हो? ठीक हूँ, तुमसे और क्या पूछूं मैं। जैनब की जिंदगी में तो पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं। क्या करूँ, मैनेज करना पड़ता है हर काम। सही कहा, काम के साथ पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल होता होगा ना। ये तो तुम ठीक कह रही हो, मेरी तो अब जॉब भी नहीं रही। क्यों? हाँ, उनकी कुछ शर्तें थी जो मुझे समझ नहीं आई। बहुत बुरा हुआ ये तो, जबकि तुम्हें तो पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ बिल्कुल, मैं तो अभी तक तुम्हारे पैसे भी नहीं लौटा पाई। लेकिन कैसी बातें कर रही हो, क्या हो गया है? जल्दी नहीं है मुझे, जब हो तो दे देना। जगह अच्छी लगी तुम्हें ये? हाँ अच्छी है।
क्लास के लिए लेट तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, अभी टाइम है। जाती, दो कप चाय लाओ हम दोनों के लिए। कितनी अजीब बात है ना, बाप और बेटे दोनों ने एक ही औरत को निशाना बनाया। पता है बाबा, अगर हम दोनों साथ में कारोबार करें तो कोई हमें हरा नहीं पाएगा। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें मत करो। उसके पर्स का क्या किया? वो तो मैंने फेंक दिया था। क्या बात है तुम्हारी, वाह। कम से कम उस पर्स को खोल के तो देख लेते, शायद कोई एड्रेस, कोई फोन नंबर, कोई काम की चीज ही मिल जाती उसमें से। अरे बाबा, मुझे क्या पता था कि ये उसी औरत का पर्स निकलेगा। याद करो कहां फेंका था पर्स। हाँ, याद आ गया मुझे। चलो चलते हैं, कचरे में ढूंढेंगे। तो और कोई मशवरा है तुम्हारे पास? बोलो, अंदाजा है वो पर्स कितना है? मैं उससे सिर्फ हमारे लिफ्ट तक नहीं पहुंचेंगे बल्कि पैसे भी मिलेंगे हमें। समझ आई बात? चलो। हाँ, चले। नहीं बन रहा। कैसे सही करूं? मुझे यतीम खाने कभी भी नहीं जाना है। मैं अपनी अम्मी से दूर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी अलिफ, मेरी बच्ची, पता नहीं कैसी होगी। काश तुम यहां होती, मेरे पास होती। है बहुत याद करती हूं तुम्हें। हाँ, यही फेंका था। अब पता नहीं होगा या नहीं। जाओ उससे जाकर पूछो, शायद उसने देखा। पूछता हूँ। जैनब, जैनब कहाँ जा रही हो तुम? तुमसे मतलब? जॉब पे जा रही हो क्या? तुम्हें क्या? देखो, अगर तुम दोबारा वहां गई ना तो मैं जहां भी जाऊं तुम्हें इससे क्या? देखो, हर बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाऊंगा जैनब,
मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे बचाने आ? मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे क्लास में जाना है। सोशियोलॉजी पढ़ना है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी। तुम तो जानती हो कि मैं कितना सोशल हूँ, मालूम है ना? सलीम कैसे हो तुम? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं कैंटीन जा रही हूँ, तुम भी साथ चलो। हाँ जरूर। ज़ैनब तुमसे तो मैं पूछूंगी भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम तो पढ़ाई करोगी। चलो बाद में मिलते हैं। कुछ ज्यादा ही सोशल है। अरे ये कौन सी जगह भेज दिया उसने हमें? अरे बाबा मुझे क्या मालूम, मैं रोज नहीं आता यहाँ, यही जगह बताई थी उस आदमी ने, बस तकरीबन आ ही गए। मुसीबत है। ठीक है बातें मत करो, चलो। पैसों की खातिर तो हम किसी भी जगह कहीं भी जा सकते, क्यों? हाँ। ढूंढो ढूंढो, शाबाश, उस तरफ देखो, उस तरफ शायद वहां पड़ा हो, मिल ही जाएगा। मिल गया बाबा, मिल गया। खोलो जल्दी। पर तो एक नंबर लिखा हुआ है। इधर दो मुझे, लाओ दो। ज़ैनब भी आ जाती तो अच्छा होता। छोड़ो उसे, मुझे तो अजीब ही लगती है। पता है तुम्हें, उसने जॉब भी छोड़ दी, जब देखो पढ़ाई में लगी रहती है। उसने बताया कि कैसे मारा मैंने उसके बॉस को। क्या मतलब? मैंने पहले ही उसे वार्न किया था, जिस तरह वो देखता था मुझे तभी लग गया था कि उसके इरादे अच्छे नहीं है। एक मिनट रुको, ज़ैनब ने तो कहा था कि उसको उनकी शर्तें समझ नहीं आई, ये सब उसने मुझे क्यों नहीं बताया? यार उसके बॉस ने ज़ैनब से बदतमीजी की, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और धुलाई कर दी उसकी। मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं यार, आइंदा वो मेरी गर्लफ्रेंड, मतलब मेरी किसी दोस्त के साथ ऐसा करने का अब वो सोचेगा भी नहीं। ज़ैनब ने तो कुछ नहीं बताया। हेलो, बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वो हमें यहाँ एक पर्स मिला है, हमने जब उसे खोल कर देखा तो उसमें से ही नंबर निकला, इसी वजह से कॉल की आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आयशा का पर्स होगा। ओ अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि पर्स मिल गया। जी जी मिल गया है, मिल गया है। अगर आप अपना एड्रेस बता दें हमें तो हम देने आ जाते हैं। हाँ जरूर, लिखिए एड्रेस, बताती हूँ। जी 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 बताइए। हाँ 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 समझ गया, जानता हूँ मैं वो जगह, बस पहुँचता हूँ मैं। वाह, कमाल को फौरन फोन करो और उससे कहो कि गाड़ी लेकर फौरन पहुँचे, फोन करो। ठीक है बाबा, चले। शुक्र है। अरे तुम, मैं जानती थी तुम यहीं होगी। क्या बात है, कोई काम है मुझसे? मुझे तुमसे बात करनी थी। क्या बात है? समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। क्या समझ नहीं आ रहा, बताओ। अब ज़ैनब, जो पैसे मैंने तुम्हें उधार दिए थे ना? हाँ दिए थे। वो पैसे मुझे वापस चाहिए ज़ैनब। लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैंने तुमसे क्या कहा था, मगर मुझे अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ गई है। हाँ बिलीव मी, ये कहते हुए मुझे भी शर्मिंदगी हो रही है। ठीक है, करती हूँ कुछ।
तुम भी मेरे साथ चलोगी? कर ली? सुबह खैर। जी कहिए। केनान साहब यहाँ है क्या? नहीं, आज तो वो नहीं आए। यहाँ भी नहीं आए? शायद खेतों में गए हों। ठीक है, शुक्रिया। करली, कैसे हो तुम? करली, तुम्हें पता है मैं कहाँ जा रही हूँ? फरमा मेरी, कहाँ है ये? कहाँ चले गए? हाँ। डरो मत करली, कुछ नहीं होगा, डरो नहीं। एमिगो, कैसे हो? लो। अम्मी जान, बचा ले मुझे। कहाँ चली गई हैं आप? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी अम्मी जान। ये किसकी आवाज है? अम्मी जान, वापस आ जाएं। एलिफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आ जाओ, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। देखो आ गया हूँ मैं अम्मी के पास जा रही थी तो मुझ पर कुत्ता भौंकना शुरू हो गया। ठीक है बेटा, डरो मत, चलो घर चले, घर वाले सब परेशान हो रहे होंगे। मुझे खुद से दूर मत कीजिएगा अंकल, मैं यतीम खाने नहीं जाना चाहती। यतीम खाने? तुमसे किसने कहा अलिफ? मुझे यतीम खाना नहीं भेजिएगा केनान अंकल, प्लीज। ये तुमसे किसने कहा? टूचर ने कहा जिनके अम्मी अब्बू नहीं होते उन्हें वहाँ भेज देते हैं, लेकिन मेरी अम्मी तो हैं अंकल, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। मुझे अम्मी की बहुत याद आती है। अच्छा, आप रोना बंद करो, हम आज ही तुम्हारी अम्मी के पास जाएंगे। क्या आप सच कह रहे हैं? जरा ध्यान से करिएगा। जी आरजू साहिबा। जबरदस्त, मुझे भी नेल पॉलिश लगानी है। बेटा, आपके बाबा को नहीं पसंद है ना? लेकिन मुझे तो पसंद है, वैसे भी आज बहुत स्पेशल डे है ना? ठीक कह रही हो, आज का दिन वाकई स्पेशल है, जीत सेलिब्रेट करने का दिन। अब तुम सबसे पहले कपड़े बदल लो, अम्मी से मिलने जा रही हो तो तैयार होकर जाओ। ठीक है केनान अंकल, मैं अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। आयशा, आप कहाँ है? थोड़ी देर पहले वो आपको ढूंढ रही थी। ठीक है आपा, बहुत शुक्रिया। देखकर ठीक से लगाओ। अम्मी, अब मेरी बारी। सबर करो बेटा, क्या हो गया है? आह केनान, तुम खुश आमदीद। ये यतीम खाने वाला क्या मसला है? एलिफ को यतीम खाने भेज रहे हैं बाबा। ठीक है, तुम जा सकती हो, हम ये बाद में कर लेंगे। तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। अच्छा सुनो, रिलैक्स तो हो जाओ पहले,
गुस्सा तो ना करो। यतीम खाने का मशवरा किसका था, जवाब दो। केनानी कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं, अम्मी का मशवरा था ये। अगर ये अम्मी का मशवरा था तो तुम मुझसे बिना पूछे ऐसी घटिया हरकत कैसे होने दे सकती हो? मैंने बस टूचे की भलाई का सोचा, उस बच्ची की वजह से टूचे बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है। टूचे की कंडीशन मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका ताल्लुक एलिफ से है। केनान अंकल आज हमें अम्मी के पास ले जाएंगे नाजली। एलिफ मेरी बच्ची, मेरी जान। मैं तैयार होकर कैसी लग रही हूँ? तैयार होने के लिए किसने कहा तुम्हें? आयशा खाला, केनान अंकल आज मुझे अम्मी के पास ले जा रहे हैं। क्या? देखो केनान, अगर ठंडे दिमाग से सोचो तो हमने कोई बुरा फैसला नहीं किया है। तुम और अम्मी अपने मशवरे अपने पास ही रखो, आज के बाद तुम कुछ भी मेरी इजाजत के बगैर नहीं करोगी, समझ आई तुम्हें? लेकिन बात तो सुनो मेरी। वो बच्ची तब तक यहाँ रहेगी जब तक उसकी माँ उसे अपने साथ रखने के लिए राजी ना हो जाए, समझ आ गई तुम्हें? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी, अभी थोड़ी देर पहले। आप जो कहने वाली हैं मैं जानता हूँ, फिक्र न करें आप, मैं एलिफ को यतीम खाने नहीं भेजने दूंगा, मैं उसे उसकी माँ के पास ले जा रहा हूँ। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है केनान साहब। नहीं नहीं, उस बच्ची का अपनी माँ से मिलने का वक्त आ चुका है। वो तो है, वो बच्ची पहले ही डरी हुई है, अपनी माँ से मिलकर हौसला मिलेगा उसे, वरना एलिफ की हालत खराब हो सकती है। आप सहमत मत करें, मैं ले जाऊंगी उसे। बिल्कुल भी नहीं, इस बहाने मैं भी मिल लूंगा उससे। किसी कागज पर एड्रेस लिखकर मुझे दे दे। आप जल्दी कीजिए, इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मलिक को कॉल करती हूँ, कहती हूँ कि घर से निकल जाए। केनान कहाँ जा रहे हो तुम? एलिफ को उसकी माँ से मिलवाने। क्या मतलब, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारे उसके यतीम खाने भिजवाने के मशवरे की वजह से। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अपनी माँ को याद कर रही है, इसलिए तो। इसमें ना समझने वाली क्या बात है? ठीक है, लेकिन तुम क्यों ले जा रहे हो? आयशा ले जाएगी। नहीं, मैं साथ जाऊंगा। तुम खुद को क्यों थका रहे हो? हाँ, आयशा को ले जाने दो, उसमें क्या मसला है? तुमसे बात कर रही हूँ केनान, माँ को ही याद कर रही है ना वो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आयशा को ले जाने दो उसे, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? नहीं, ये उस बच्ची को डराने धमकाने से पहले सोचना चाहिए था, उसे छोड़ने मैं ही जाऊंगा। जल्दी करें आयशा आपा। लिख दिया, लाए। ठीक है, शुक्रिया। वो केनान साहब, मैं भी साथ चल सकती हूँ? ठीक है, आ जाए। मैं अपना फोन लेकर आती हूँ। Thank you.
तैयार हो गई तुम बेटा? चलो आओ गाड़ी में बैठते हैं। वाह 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 बाबा, घर तो बहुत खूबसूरत है। काश हमारा घर भी ऐसा होता। कब होगा बाबा? हाँ, कह तो तुम ठीक ही रहे हो। बिल्कुल महल जैसा है, लगता है बहुत अमीर लोग हैं। और मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, अब देख लो अपनी आंखों से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। किससे मिलना है आपको? वो हमने एक पर्स के लिए कॉल की थी जो गुम हो गया था, वो लेकर आए। जी समझ गई समझ गई, आइए। शरीफे एक मिनट रुकिएगा, केनान साहब बुला रहे हैं, मैं अभी आती हूँ आपके पास। इंतजार कर लेते हैं हम, कोई जल्दी नहीं है। कौन है ये? वो दरअसल आयशा का पर्स चोरी हो गया था ना, वो लेकर आए हैं ये लोग। पर्स लेकर आए? जी जी, इनको मिला है। ठीक है, अच्छी बात है। क्या हुआ? मैं भी साथ चल रही हूँ, क्या आप साथ भी नहीं चल सकती हूँ मैं? आयशा बात सुनो। क्या हुआ? ये लोग तुम्हारा पर्स लाए हैं। क्या वाकई? भूख चुकी है।